हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ मिथिलेश एंड टुडे विल टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो गाइस, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा रहेगा तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्या समझा, क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ इट वर्क्स आउट। तो गाइस, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्कआउट करती है तो उनके बीच में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत काम की होती है, बट शायद मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चीज़ क्या होती है और वो एक्चुअली बिहाइंड द सीन काम क्या करती है। ठीक है गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द टॉपिक। ओके, सो गाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसा मैंने यहाँ पे टॉपिक रखा है, तो ट्रांसलेटर से आप लोगों को क्या समझता है मैं वो एक बार अपनी तरफ से बताता हूँ कि मुझे क्या समझ में आता है। सो गाइस, मेरे हिसाब से जो ट्रांसलेटर होता है, इट्स अ मीडियम। ठीक है, ये एक तुम्हारे पास जरिया है जिसके वजह से तुम अपनी लैंग्वेज में बोली गई चीज़ सामने वाले को उसके हिसाब से बता पाते हो। सपोज़ अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मुझे हिंदी आती है और सामने वाले को इंग्लिश ही समझ में आती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मेरे बीच में कोई तीसरा ऐसा इंसान है जिसको दोनों ही लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है, जो दोनों ही समझ सकता है कि लाइक उसको इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है, तो व्हाट हैपेंस कि अगर मैं जो भी चीज़ हिंदी में बोलूँगा तो वो सामने वाले को इंग्लिश में कन्वे कर सकता है। ठीक है गाइस, दैट इज़ व्हाट ट्रांसलेटर डू। अगर चाहिए तो आप गूगल का एग्जांपल ले सकते हो, ट्रांसलेटर में जो यूज़ किया जाता है गूगल में, अगर आप गूगल पे जाके इंग्लिश में कोई शब्द डालो और उसके बारे में उसका हिंदी चेक करो तो वो तुम्हें हिंदी में बता देगा कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट ट्रांसलेटर डू। तो हम ये चीज़ें अभी समझेंगे कि प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें कैसे यूज़ की जाती है। ओके गाइस, तो लेट्स अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर है वो करता क्या है? तो ये भी वही चीज़ करता है जो मैंने अभी एग्जांपल में तुम्हें बताया कि एक लैंग्वेज को दूसरे में ट्रांसलेट करता है, राइट? सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन प्रोग्रामिंग वे। ओके, तो देखो क्या होता है, ये एक लैंग्वेज को दूसरे में कन्वर्ट करता है। अब वो एक लैंग्वेज क्या है हमारी? हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं? मशीन लैंग्वेज में, राइट? नाउ सेकंड पॉइंट हियर इज इट टेक्स सोर्स कोड कन्वर्ट्स इनटू अ मशीन कोड। तो बात वही हो जाती है, देखो हमने अभी जो सोर्स कोड लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज योर सोर्स कोड, राइट? अब वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मशीन कोड में, दैट इज अ बाइनरी फॉर्मेट, राइट? अब क्या होता है गाइस कि जब वो तुम्हारी सोर्स कोड को लोड करता है और उस पर कुछ प्रोसेसिंग चलती है, तो अगर उसके बीच में कुछ भी एरर ना आया हो तो ही जाके तुम्हें आउटपुट मिलता है। बट व्हाट इफ वी गेटिंग द एरर? तो गाइस, अगर तुम्हारे प्रोग्राम में किसी प्रकार का कोई भी एरर है तो तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है गाइस, वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। तो वो तुम्हें क्या कहता है कि पहले ये सारे एरर्स फिक्स करो, मैं फिर से मुझे भेजो, मैं समझूंगा, अगर मुझे लगा कि हाँ तुम्हारा सब कुछ सही है तो मैं इसको फिर से मशीन कोड में कन्वर्ट करके तुम्हें फाइनल आउटपुट दे दूंगा। ठीक है गाइस, नाउ अब हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो गाइस, आई थिंक ऑब्जेक्टिव अभी तो बहुत क्लियर है कि हम जो चीज़ भी लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो मशीन को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मशीन को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें हाई लेवल जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि जो हमारा CPU है वो इस चीज़ को समझ पाए और उसके हिसाब से वो काम करेगा। अगर तुम्हारे CPU को समझ में आया कि इसमें कुछ एरर्स हैं तो तुम्हें मूव ऑन करने नहीं देगा, तुम्हें फिक्स करने के लिए बोलेगा। बट हाँ, अगर तुम्हारे कोई भी एरर्स नहीं है तो ऑफकोर्स इट विल अलाउ यू एंड तुम अपना आउटपुट देख सकते हो। ठीक है गाइस, सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लाइक ट्रांसलेटर्स तो हो गए यार, बट इसके कुछ अलग अलग टाइप्स है क्या? जैसे अगर तुम गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हो तो उसमें देखो बहुत वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है, बट हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम एक ही चीज़ को दूसरे वे में देखना चाहते हैं जो सामने वाला एक्सपेक्ट कर सकता है। मतलब जैसा मैं हिंदी में चाहता हूँ बोलना और सामने वाला सिर्फ इंग्लिश ही समझ सकता है, ऐसे और भी होंगे जिनको मैं हिंदी में बोलता रहा हूँ बट वो स्पेनिश समझेगा, कोई जैपनीज समझेगा, कोई चाइनीज़, तो सबकी अलग अलग अपनी एक लैंग्वेज हो सकती है समझने के लिए, ठीक है। बट जो कोड मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, राइट? तो इन चीज़ों का अलग अलग तरीके से समझाने के लिए जैसा गूगल ने काम किया है पीछे ट्रांसलेटर का कि वो उस हिसाब से आपको लैंग्वेज कन्वर्ट करके सामने दिखा देता है, तो वैसे ही कुछ प्रकार के ट्रांसलेटर्स हमारे पास हैं, ठीक है, कि हम अगर किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग तरीके भी हमारे पास कि हम उसको कैसे अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। ठीक है, मेरा मोटिव वही है कि मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ सो डैट मेरा मशीन वो चीज़ समझ पाए जो मैं उसको समझाना चाहता हूँ। ठीक है गाइस, सो गाइस देखो यहाँ पे ना तीन प्रकार के होते हैं काम अपने ट्रांसलेटर्स, ठीक है, पहला होता है कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा होता है तुम्हारा असेंबलर। सो जो गाइस, जो असेंबलर है वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता आजकल, बिकॉज एज फार आई अंडरस्टैंड असेंबलर ये भी कहीं ना कहीं एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसको जो कोड है उसका यार उसको मेंटेन करना आज भी थोड़ा टफ जाता है लोगों को, क्योंकि इसका कोडिंग स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है एंड उसमें एक छोटा चेंज भी करना रहा है तो यार थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है गाइस, ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कंपाइलर। ओके, सो कंपाइलर क्या करता है? तो गाइस, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, ठीक है, तो हमने ट्रांसलेटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो तुम्हारे जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। हाँ, उसका तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, अब उसका तरीका क्या है,
कि यार वो तुम्हारा क्या करता है, जो भी तुम्हारा सोर्स कोड है वो पूरा सोर्स कोड एक ही बार में मेमोरी में डालता है, ठीक है। उसके ऊपर वो प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके अंदर से कुछ इश्यूज़ अगर उसको मिले तो वो तुमको एक ही बार में सारे इशू हाईलाइट्स करके दे देगा। अगर उसको कोई इशू नहीं मिला तो वो तुमको कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देता है, जिसके हिसाब से तुम उसको रन कर सकते हो और तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है गाइस। अब सेम इंटरप्रेटर पे चलते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, तो ये भी एक ट्रांसलेटर है। ऑब्जेक्टिव इसका भी वही है कि ये तुम्हारी हाई लैंग्वेज को लो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बट ये कैसे तरीके से करता है, इसका तरीका थोड़ा अलग है। ये क्या करता है भाई, यहाँ पे तुम्हारा ना वो जो भी तुमने सेटअप इंस्ट्रक्शन दिया है उसकी एक लाइन को उठाएगा, उसको वो चेक करेगा एरर्स के लिए। अगर उसमें कोई भी एरर्स नहीं है तो वो एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है तुम्हारे लिए, इंटरमीडिएट कोड रेडी कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हें आउटपुट स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। जो भी रहेगा आउटपुट तुम्हें वो सेम टाइम हाईलाइट हो जाता है। बट इसका फ्लॉ ये है कि यार अगर ये लाइन वाइज लाइन जाता है तो जिस लाइन पे भी तुम्हें एरर मिला ना तो ये वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो दैट्स व्हाट इंटरप्रेटर डू। तो आई गेस यू गाइस आर क्लियर विद द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट असेंबलर। तो गाइस असेंबलर मैंने बताया ये खुद ही एक मशीन लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, थोड़ी लो लेवल लैंग्वेज में आती है। तो इसके बारे में अगर मैं सोचूं कि यार इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो एज़ फार माई पॉइंट इज़ कि अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, बिकॉज नाउ डेज वी आर सेइंग कि पाइथन बहुत ट्रेंड कर रहा है, जावा बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो दैट्स द रीज़न आई टारगेट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बट हाँ, अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है कि आप असेंबलर के बारे में भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है, कि ये चीज़ क्या होती है और कैसे वर्कआउट करती है। बट जस्ट फॉर नाउ एक सुपरफिशियल लेवल बस इतना समझ लो कि जो हमारा असेंबलर होता है ये खुद भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो इसमें कोडिंग की जाती है वो आज भी लो लेवल पर रहती है और इसको मेंटेन करना गाइस रियली टफ जाता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, तो देखो गाइस इंटरप्रेटर जो होता है, ठीक है, वो इंटरप्रेटर अभी तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा उसने सोर्स कोड लिया, ठीक है, उसने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, मतलब इंटरप्रेटर के पास वो गया तुम्हारा सोर्स कोड, मतलब एक लाइन लिया उसने उसको इंटरप्रेट किया और जो भी उसको कोड में कोई एरर नहीं मिला तो वो फटाक से तुम्हें आउटपुट जनरेट करके दे देगा, ठीक है गाइस। सो दिस इज वॉट इंटरप्रेटर डू। नाउ कम टू द कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है, तो गाइस देखो कंपाइलर के पास भी सोर्स कोड होता है, देयर इज नथिंग बट अ हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। वो क्या करता है, तुम्हारा भेजता है कंपाइलर को। अब कंपाइलर तुम्हारा क्या करता है, इसको मेमोरी में लोड करता है, ठीक है, इसके ऊपर जाके कुछ प्री प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, सारे एनालिसिस करके देखता है वो। अगर उसको कुछ एरर मिला तो वो तुम्हें एरर जनरेट करके दे देगा एक ही बार में। बट अगर उसको कोई एरर नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, तुम्हें एक ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट करके देता है, डेट इज नथिंग बट अ मशीन कोड। और उसके बाद तुम्हारा वो जो मशीन कोड है उसको तुम अगर रन करोगे तो तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारा आउटपुट मिल जाता है, व्हाट यू गाइस आर लुकिंग फॉर। लाइक तुमने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे उस हिसाब से तुम्हारा आउटपुट सेट हो जाता है और तुम्हें वो आउटपुट दिख जाता है, ठीक है गाइस। तो ये था एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, सो डैट ये कैसे वर्कआउट होती है चीज़ें, बिहाइंड द सीन एक्चुअली चलता क्या, ठीक है। और जब हम हाई लेवल को लो में कन्वर्ट करते हैं तो ये दो ट्रांसलेटर्स आजकल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, सो डैट मशीन हमारी लैंग्वेज को समझ सके, हमारी हाई लेवल को लो लेवल में अपने हिसाब से समझ पाए, ठीक है गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंस, ओके। कि अब जो ये हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया, अब शायद हम बेटर समझ पाएंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो गाइस देखो कंपाइलर करता क्या है, ठीक है, मैंने बताया कि एक ही बार में तुम्हारा पूरा कोड ले लेता है, ठीक है, और एंटायर प्रोग्राम को एक ही बार में रन करने की कोशिश करता है। अब अगर उसमें एरर रहेंगे तो ऑफकोर्स इट विल हाईलाइट, अगर नहीं है तो इट्स गुड फॉर यू, वो तुम्हें आउटपुट जनरेट करके दे देगा मशीन कोड में और उसको तुम रन कर सकते हो, ठीक है गाइस। इंटरप्रेटर तुम्हारा लाइन बाय लाइन जाता है, ठीक है, और उसमें अगर उसको कुछ एरर मिले तो तुम्हें वहीं पर ब्रेक कर देगा और नहीं मिले तो तुम्हें आगे लेके चला जाएगा, ठीक है गाइस। अभी देखो तुम्हारा कंपाइलर क्या करता है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, जबकि यहाँ पे इंटरप्रेटर में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। द कंपाइलेशन डन बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। अभी कंपाइलर का एडवांटेज क्या है कि यार वो तुम्हें पहले ही सब कुछ चेक करके बताता है एरर है, तो तुम्हारा जब भी तुम देखोगे कि रन टाइम पे जो होगा ना उस टाइम पे एरर से आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जबकि इंटरप्रेटर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें रन टाइम के एरर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं इसके चांसेस, ठीक है गाइस। तो कंपाइलर तुम्हारा फास्ट होता है बिकॉज वो प्रोसेसिंग एक ही बार में करता है, इसमें मेमोरी ज़्यादा जाती है, बट यस इट इज़ फास्टर क्योंकि टाइम के हिसाब से फास्ट चलता है, मेमोरी भले ही ज़्यादा लेता है क्योंकि लोड करता है। सेम टाइम पे इंटरप्रेटर अगर मैं देखूँ तो या इट इज़ स्लोअर क्योंकि वो स्लोली काम करता है क्योंकि वो तुम्हारा लाइन बाय लाइन जाता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मेमोरी रिक्वायर्ड मोर है, यहाँ पे लेस है, ठीक है। अगर एरर है तो तुम्हें दिखाएगा, एरर नहीं है तो नहीं दिखाएगा, दोनों में ये सेम चीज़ें हैं कि एरर है तो वो फटना ही है तुम्हारा कोड, ठीक है गाइस। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके गाइज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।